हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं एक और न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया था, जिसमें मैं लाइमस्टोन के बारे में वीडियोस लाता रहा था। और मैंने दो तीन वीडियोस लेकर आया हूँ कि लाइमस्टोन की चिनाई के बारे में, उसकी चिनाई कैसे करें। हमने एक्सपेरिमेंट भी किए आप सभी के सामने, और फिर रिव्यू किया कि चूल्हा जो हमारा बनाया था वो कैसे बना। अब हम और उसके बारे में भी लेकर आएंगे। आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो लाइमस्टोन का फिजिकल बॉडी पर क्या इफेक्ट है, मतलब लाइमस्टोन हमारी शरीर में क्या इफेक्ट डालता है। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, खाने वाला लाइम भी होता है। आज मैं उसके बारे में वीडियो लेकर आया हूं, और उसे क्या क्या लाभ है, क्या क्या हम उसे कैसे खाएं। आज मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा कि उससे कैल्शियम कैसे बढ़े, हमारी हाइट कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, उसके बारे में बताऊँगा। और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी बीमारी के बारे में बताऊँगा कि लाइमस्टोन से और कौन सी बीमारी ठीक होती है। लाइमस्टोन से 70 बीमारी ठीक होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कैल्शियम है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है, दूध, सब्जियां, फल, बादाम, इस तरह से। और जो सिंथेटिक है वो हम खुद बनाते हैं, जैसे कैप्सूल्स, मेडिसिंस जो हम लेते हैं कैल्शियम की मेडिसिंस, उससे होता है। जो हमारा एक लाइम है, खाने वाला लाइम, जिसे हम इंग्लिश में एडिबल लाइम कहते हैं, एडिबल लाइम एक नेचुरल कैल्शियम सोर्स है, जिससे हम अपनी कैल्शियम बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि खाने की विधि और इसको सफाई करने की विधि। अगर आप पान वाले से बिल्कुल प्योर खाने वाला चूना मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको पता है कि वो अच्छा चूना देता है, खाने वाला है, तो फिर आप उससे लेकर आ सकते हैं। अगर आपको खाने वाला चूना नहीं मिलता तो आप घर पर इसे जो चिनाई वाला है उससे भी आप खाने वाला बना सकते हैं। हम अब उस विधि को बताएंगे कि आप कैसे उसको खाने वाले चूने में बदल सकते हैं। पहले आपको चूना लेना है 10 ग्राम। 10 ग्राम चूना लेकर आपको 1 लीटर पानी में वो डाल देना है। 10 ग्राम चूना लेना है, 1 लीटर पानी में डाल देना है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, अब बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पानी में डालने के बाद आपको उसको स्टिर करना है, हिलाना है, क्योंकि जो जो लाइमस्टोन होता है उसमें रिएक्शंस होती हैं और कई नेगेटिव गैसेस होती हैं, वो निकल जाएंगी हिलाने के बाद। आपको बर्तन कौन सा यूज़ करना है? आपको बर्तन यूज़ करना है पक्की मिट्टी का बर्तन, जो फोटो में दिख रहा होगा, इस तरह का आपको बर्तन यूज़ करना है। और आपको लगभग 1-1.5 घंटा इसको खुला छोड़ देना है। पहले चूना डाल देना है, फिर ऊपर से पानी डाल देना, और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और फिर आपको ऐसी जगह में रख देना है जहां इसको हवा भी लगे और धूप भी मिले, एक कॉर्नर पर रख दें। और आपको इसको, अगर आपने रख दिया है, तो आपको रोज़ सुबह और शाम इसको स्टिर करना है, हिलाना है। 1-1.5 मिनट के लिए हिला दिया और मिक्स कर दिया। रोज़ सुबह और शाम इसको इसी प्रकार आपको करना है, और जब आप हिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा और जो नेगेटिव इसकी गैसेस हैं वो निकल जाएंगी। आपको पर हिलाना किससे है, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। बर्तन कौन सा यूज़ करना है, हिलाना किससे, हिलाना है आपको लकड़ी के बर्तन से, जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, जो लकड़ी के जो है चमचे, स्पून, उससे आप हिला सकते हैं। अगर आपको नीचे नहीं मिलता तो आप दरख्त की लकड़ी लेकर उसे थोड़ा सा काट कर साफ़ कर कर हिला सकते हैं। आपको 3 दिन ऐसा करना है, सुबह शाम हिलाना है। पर जब 3रा दिन आएगा, आपको शाम को नहीं हिलाना है। रिपीट दिस 3 डेज इवनिंग एंड मॉर्निंग, डू नॉट रिपीट इन 3rd डे इवनिंग। तीसरी शाम को आपको ऐसा नहीं करना, आपको 3 दिन ऐसे रख देना, तीसरी शाम को नहीं करना, और चौथी सुबह आपको निकाल लेना है। आपको पानी पहले ऊपर से निकाल लेना है और नीचे जो चूना जमा होगा फिर वो निकाल लेना है। मिट्टी के बर्तन में ही यूज़ करना। जे आप खास ध्यान रखें, कोई प्लास्टिक, कोई स्टील, और ख़ास तौर पर मेटल की धातु वाला बर्तन तो बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये रिएक्शन कर जाएगा। मेटल वाले में बिल्कुल ना डालें, और पानी में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसकी सारी नेगेटिव चीज़ें निकल जाएंगी। आपको मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करना है, और लकड़ी के हिलाने के लिए यूज़ करना है। फिर जब चौथी सुबह आप निकालेंगे, आपको पहले पानी अलग कर लेना है, फिर नीचे से चूना होगा वो आपको अलग कर लेना है। अब हम बताए कहेंगे कि अलग कर कर रखना कैसे है। आपको अलग कर कर चूना जो है वो कांच की डब्बी में रख लेना है, और जो पानी है वो भी कांच की बोतल में रख लेना है। अब खाने वाली प्रक्रिया बताएंगे, खाना कैसे। सुबह उठकर आपको कांच की शीशी में दही डाल लेना है, कांच की बाउल में दही डालकर आपको चूना उसमें डालना है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में। आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल आपको मात्रा कितनी डालनी है, जो चावल है चावल के एक दाने के समान चूने की मात्रा दही में आपको मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। बर्तन कांच का ही यूज़ करें, कांच का यूज़ करें या मिट्टी का यूज़ करें, कोई भी मेटल, स्टील, ये बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि रिएक्शन कर जाएगा, फिर बहुत नुकसान होगा। मैं बता रहा हूँ कि कैल्शियम कैसे इंक्रीज़ करें। चावल के दाने के जितना चूना डालकर आपको मिक्स कर कर खा लेना है, सुबह ऐसे ही करना है। आप बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।